ब्राह्मण ने कहा आपने इधर ही रहने देना है, चूल्हा नॉर्मल रखना है ताकि जले ना और कच्चा भी ना रहे। ये बच्चों को बहुत पसंद है आलू का पराठा, आप भी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को बना के दें। मेरा चैनल देखने वाले वर्ड ब्यूटीफुल वीडियो MFC, हमारा तैयार हो गया आलू का पराठा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें डालने ऑयल एक चम्मच ऑयल डालें ताकि ये नीचे जाए, नीचे से ब्राउन हो जाए और साथ ना चिपके, और एक चम्मच आपने ऊपर डालना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने ऐसे रखना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स, मेरा चैनल देखने वाले व्यूअर्स ब्यूटीफुल वीडियो MHC। आज हम आपको बना के दिखाएंगे आलू का पराठा, बहुत ही आसान, 5 मिनट में बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाता है। आलू को हमने पहले अच्छी तरह मैश कर लेना है, 2 से 3 अदद आलू ले लें, हमारे आलू मैश हो गए हैं। अब हमने इसमें डालना है प्याज, डालना बारीक कटी हुई, आधा प्याज लेना है आपने, बारीक कटी हुई प्याज लेनी है, हरी मिर्च लेनी है 2 अदद और धनिया लेना है, 2 से 4 पत्ते लेने हैं। इसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच रेड मिर्च का पाउडर डालना है, ज़ीरा डालना है आधा चम्मच ज़ीरे का, कसूरी मेथी डालनी आधा चम्मच, सूखा धनिया डालना है आधा चम्मच। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, बहुत ही आसान है तरीका आलू का पराठा बना के दें अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को। ये लंच में भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बच्चों ने सुबह टाइम लंच लेके जाना होता है या दोपहर टाइम आप लंच बना के भेज सकते हो। हमारा मसाला तैयार हो गया, अब हमने पेड़े देने हैं छोटे छोटे। हमने पेड़े को, छोटे पेड़े को उंगलियों की मदद से गोल करना है, बेल लेना है, किनारे दबाने मोटे ना हो। अब हमने दूसरा करना है, बेलने की मदद से थोड़ा अब हमने बड़ा करना है, बस इतना सा। अब ये दूसरे को कर लें,
बहुत ही आसान है आलू का पराठा बनाना। अब हमने इसमें डालना है, किनारों तक आपने लेके आना है कि ताकि किनारे भी इसके खाली ना रहे। ऐसे सारी रोटी नॉर्मल हो जाती है, सारे में आलू मिक्स हो जाता है। अब हमने इसको बेलने की मदद से इसको बड़ी करना है। हमारी रोटी हो गई तैयार, अब हमने डालनी है, तवे के ऊपर डालनी है। चूल्हा हमारा तवा हमारा गर्म हो गया, अब हमने डालना है इसमें एक चम्मच ऑयल, रोटी हमारी चूल्हा नॉर्मल रखना है। शुरू में थोड़ा तेज कर लें कि रोटी खुशक होने तक। चूल्हा नॉर्मल रखनी, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही शानदार है और बहुत जल्दी बनने वाली है। बच्चों का लंच और नाश्ता भी इसके साथ बहुत जल्दी बन जाता है बच्चों का सुबह के वक्त। दें साइडों पे घी लगा दें, एक चम्मच ऊपर डाल दें, अब देखें हमारा कलर ब्राउन हो गया माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब इधर को भी होने दें, ब्राउन होने तक आपने इधर ही रहने देना है। चूल्हा नॉर्मल रखना है ताकि जले ना और कच्चा भी ना रहे। ये बच्चों को बहुत पसंद है आलू का पराठा, आप भी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को बना के दें। मेरा चैनल देखने वाले वर्ड ब्यूटीफुल वीडियो MFC, हमारा तैयार हो गया आलू का पराठा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें डालने ऑयल, एक चम्मच ऑयल डालें ताकि ये नीचे जाए, नीचे से ब्राउन हो जाए और साथ ना चिपके, और एक चम्मच आपने ऊपर डालना। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने ऐसे रखना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह ब्राउन हो गया हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक चम्मच इधर डालने हैं ऑयल, चूल्हा नॉर्मल रखना है, जले भी ना और कच्चा भी ना दे। अब इसकी साइड चेंज करें, माशाल्लाह देखें कलर ब्राउन हो गया है। चूल्हा बस आपने नॉर्मल रखना है कि जले ना। कलर बहुत ही अच्छा हो गया हमारे पराठे का, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बना के दें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी फैमिली को।
हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार पराठा बनेगा। आपने ट्राई लाजमी करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप तक हर नोटिफिकेशन न्यू से न्यू पहुंचती रहेगी। देखिए हमारा पराठा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए हमारा। देखो आलू का पराठा 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गया। मेरा चैनल देखने वाले वर्ड ब्यूटीफुल वीडियो।